अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में जो प्रैक्टिकल आज आप परफॉर्म करेंगे वो एक एसिड बेस्ड हाइड्रेशन है और इसकी हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं, विच इज डिटरमिन द परसेंटेज इम्प्योरिटी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ बेकिंग सोडा 12 ग्राम्स ऑफ विच इज डिजॉल्व पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। यू आर प्रोवाइडेड विद 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपको जो सोल्यूशन दिया गया है वो सोल्यूशन 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन में 12 ग्राम्स बेकिंग सोडा डिसॉल्व करके बनाया गया है और ये बेकिंग सोडा इम्प्योर है। हमने इस बेकिंग सोडा की परसेंटेज इम्प्योरिटी फाइंड आउट करनी है। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हम केमिकल इक्विवेलेंट को देख लेते हैं। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल कम्प्लीटली रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड विल गेट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड और बेस दोनों की मोल रेशियो 1:1 है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है। इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज है, जबकि एंड पॉइंट में हमारे पास येलो सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो ग्लासवेयर हमें चाहिए होगा उसमें ब्यूरेट है। ब्यूरेट को फिक्स करने के लिए हमें स्टैंड और क्लैंप चाहिए होगा। वी नीड अ कॉनिकल फ्लास्क, वी नीड बीकर्स, फनल, ड्रॉपर, पिपेट एंड पिपेट फिलर। एपरेटस की वॉशिंग और रिंसिंग के लिए हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। टाइट्रेशन के लिए वी नीड 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, वाइल वी नीड मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। ब्यूरेट को स्टैंड में सीधा फिक्स करेंगे, उसको पानी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन से रिंस करेंगे और रिंस करने के बाद इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन फिल करेंगे। सॉल्यूशन फिल करने के लिए हम फनल यूज़ करेंगे और फनल रिमूव करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल 0 पे फिट करेंगे। चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन है तो हम इसका लोअर मेनिस्कस रीड करेंगे। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हम पिपेट की मदद से कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करेंगे। सॉल्यूशन में हम 2 to 3 ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करेंगे जिससे ये सॉल्यूशन येलो हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में येलो जबकि एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है। अब हम इस सॉल्यूशन को एसिड के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे और उसके लिए हम इसको ब्यूरेट के नीचे रखेंगे। ब्यूरेट से एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड करने के साथ साथ हम फ्लास्क को स्वर्ल करेंगे यहां तक के येलो कलर ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाए। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा एंड पॉइंट अचीव हो गया है। हम फौरन से स्टॉपर को क्लोज करेंगे और ब्यूरेट से फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे। फाइनल रीडिंग हमारे पास 10 है, इसे हम टेबल में नोट डाउन करेंगे और इस प्रैक्टिकल को 3 बार रिपीट करेंगे। तीनों बार टाइट्रेशन की रीडिंग को हम ऑब्जर्वेशंस के टेबल में ऐड करेंगे और हमारे पास वॉल्यूम यूज्ड की 3 वैल्यूज आ जाएंगी। इन तीनों वैल्यूज का हम मीन कैलकुलेट करेंगे। बाय कैलकुलेटिंग द मीन वी विल गेट द कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज V1, इट्स वैल्यूज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने ये जहन में रखना है कि बेकिंग सोडा या मीठा सोडा में इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर। मोलैरिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज अननोन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट आर 1। सो व्हेन वी अप्लाई मोलैरिटी फार्मूला देन इट इज m1v1/n1 इज इक्वल टू m2v2/n2। इस फॉर्मूला में दोनों तरफ वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की मोलैरिटी 0.1 मोलर आ जाएगी। अब इस मोलैरिटी को यूज करते हुए हम 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए हमें मोलैरिटी को सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मूला मैथ से मल्टीप्लाई करना होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 मोलर है जबकि इसका मोलेकुलर मास 84 है। जब हम 84 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आंसर आएगा। अब अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन में 12 ग्राम्स
बेकिंग सोडा का सैंपल डिसॉल्व किया गया था, जबकि आपके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग 1 क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन में 8.4 ग्राम्स प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि 12 ग्राम्स बेकिंग सोडा में प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट 8.4 ग्राम्स था। अब अगर 12 ग्राम्स में सोडियम बाइकार्बोनेट 8.4 ग्राम्स था तो 1 में कितना होगा, इसके लिए हम यूनिटरी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे 8.4 डिवाइडेड बाई 12, और 100 ग्राम बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट की अमाउंट इट विल बी 8.4 बाई 12 × 100, दैट इज 70 ग्राम्स। अब चूंकि ये मैस बाय मैस है और 100 में है तो हम इसको ग्राम के बजाय परसेंट भी लिख सकते हैं, इट मींस दैट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ बेकिंग सोडा इज 70%। अब हमसे चूंकि स्टेटमेंट में परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछी गई है तो परसेंटेज इम्प्योरिटी फाइंड करने के लिए हम परसेंटेज प्योरिटी को 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 - 70 = 30%। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे स्टेटमेंट में परसेंटेज इम्प्योरिटी की बजाय परसेंटेज प्योरिटी पूछी जाए तो आपकी कैलकुलेशन 70% पे कंप्लीट हो जाएगी, उस केस में आपको परसेंटेज इम्प्योरिटी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी।